नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटी गई स्कूटी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। सहारनपुर के SPCD अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मात्र 24 घंटे में स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर लुटेरे आशुतोष पुत्र ऋषिपाल, शुभम पुत्र सेहतपाल, सीटू पुत्र नरेंद्र उर्फ रीटू को भाकला रेलवे अंडरपास के बाद से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि उन्हें पैसों की अधिक आवश्यकता थी। अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि आशुतोष अमन को धोखे से अपने साथ राजवाही की पुलिया पर लाएगा, जहां शुभम और सीटू पहले से ही उसकी मोटरसाइकिल पर मौजूद रहेंगे और अमन के आने पर वह दोनों उसे डरा धमका कर स्कूटी ले लेंगे। जी, कल शाम को ये 112 को सूचना मिलती है कि रामपुर मनियारन क्षेत्र में एक्टिवा को दो लोग अज्ञात व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल पर, और वो एक्टिवा लूट के ले गए। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे घटना का अनावरण किया, और जो घटना में अनावरण करने के बाद वो आज एक्टिवा भी बरामद कर ली गई है, और उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं तीनों वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें रोचक बात ये रही थी कि ये जो वादी था, वादी के दोस्त ने, जो आशुतोष जिसका नाम है, जो अभियुक्त है हमारा, उसी ने वादी को बुलाया था और एक्टिवा पे लेकर वो उसको घूम रहा था, और उसी के जो दो अभियुक्त बाकी हैं वो उसी के दोस्त थे, तो उसी ने ये पूरे षड्यंत्र रचा था कि जब मैं अमन को लेके जाऊंगा जो वादी है, और उसकी एक्टिवा को ये दो लोग आके वहाँ से लूट कर लेंगे। तो इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है, और जो तीनों इसमें मुख्य अभियुक्त हैं उनको आज कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेजा जा रहा है। नहीं, हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करी गई थी, जिसमें दो लड़के आए थे, बाकी अभियुक्त जिनको बुलाया गया था, वो घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी हमने बरामद कर ली है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।